हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। आप सभी लोगों का अपने अवे 24 यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन घुमा के ये पूछा गया था कि संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब ग्रहण किया गया। दोस्तों, अभी हमने बात करी थी 26 नवंबर 1949, वही इसका आंसर भी होगा। देखिए, संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था। अब दोस्तों, हम देखेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका की भाई आखिर रचना क्यों की गई, आखिर इसके क्या प्रयोजन थे। तो उस क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, उद्देशिका की रचना के प्रयोजन क्या है। दोस्तों, संविधान की उद्देशिका की रचना के कई प्रयोजन हो सकते हैं, इन्हें हम मोटे रूप में 5 तरह से देख सकते हैं इसके प्रयोजनों को। देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रयोजन, भारतीय जनता को प्राप्त होने वाले अधिकारों की जानकारी। दोस्तों, अभी देखा था हमने स्वतंत्रता, समता, न्याय, ये सब क्या थे, भारतीय जनता को प्राप्त होने वाले अधिकार ही तो थे। तो इन सब की जानकारी हमें कहां से मिलती है, भारतीय संविधान की उद्देशिका से। दूसरा प्रयोजन दोस्तों, यह राज्य के दर्शन को बतलाती है। कोई भी देश हो उसका या कोई भी राज्य हो, उसका एक दर्शन होता है और उस दर्शन को सामने लाती है हमारी उद्देशिका। तो यह बताती है हमारे राज्य के दर्शन को। दोस्तों, तीसरा प्रयोजन हो सकता है इसका, भारतीय संविधान के प्राधिकार के स्रोत। दोस्तों, अभी तक हम इतने प्रश्न देखे, सभी ने हमने देखा था भारतीय संविधान का प्राधिकार के स्रोत कौन है, भारतीय जनता। बस उसी के बारे में ये हमारी उद्देशिका इंगित करती है। अगला देखते हैं दोस्तों, यह राज्य के स्वरूप और संपादित किए जाने वाले कार्यों को बतलाती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राज्य का स्वरूप क्या था, वापस मैं आपको निकाल कर देता हूं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही है हमारे राज्य का स्वरूप। और राज्य को क्या कार्य करने के लिए आग्रह किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, उसको लोगों में बंधुता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, भारतीय जनता को या भारतीय नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उन सब को प्राप्त कराने का उसका उद्देश्य निर्धारित है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य के स्वरूप और उसके संपादित करने वाले कार्यों को बताती है। और अगला दोस्तों, लास्ट प्रयोजन हम हमारे हिसाब से जो रखते हैं वो ये है, संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, उन उद्देश्यों के बारे में व्यवस्थित तरीके से सूक्ष्म रूप में बतलाती है। दोस्तों, ये है हमारे संविधान की उद्देशिका के प्रयोजन। वापस से देखें आप, भारतीय जनता को प्राप्त होने वाले अधिकारों की जानकारी मिलती है, राज्य के दर्शन को बतलाती है, संविधान के प्राधिकार का स्रोत भारतीय जनता को बतलाती है, राज्य के स्वरूप और उसे संपादित किए जाने वाले कार्यों को बतलाती है, और साथ में संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, इनके बारे में भी इसमें व्यवस्थित विवेचन किया है। दोस्तों, अब हम देखते हैं आखिर इस उद्देशिका के प्रयोजन क्या है, हमारी उद्देशिका के आखिर प्रयोजन क्या है, देखिए। अब हम देखते हैं आखिर संविधान की उद्देशिका की उपयोगिता क्या है। दोस्तों, यह एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि उद्देशिका की आखिर उपयोगिता क्या है। तो दोस्तों, ध्यान रखना, उद्देशिका की उपयोगिता को हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला, यह संविधान के मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। क्या करती है, संविधान के प्रमुख आदर्शों और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। साथ में दोस्तों, इसके बाद संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की यह कुंजी है। कुंजी मतलब ताला चाबी, समझते हैं बेटा, तो बस वही कुंजी है अपनी, जिसको हमारे पुराने लोग इस्तेमाल करते थे चाबी की जगह कुंजी शब्द। तो यह क्या करती है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्या और उपयोगिता इसकी, तो इसकी एक और तीसरी उपयोगिता है, भारतीय गणराज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति में किन आदर्शों का अनुसरण किया जाना है, उनके बारे में भी हमें विधिवत रूप से बताती है हमारे संविधान की उद्देशिका। इसके बाद दोस्तों देखना, हमारी उद्देशिका
बताती हमको न्यायालय। ध्यान रखिएगा दोस्तों, न्यायपालिका, आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका जो अपने न्यायिक निर्वाचन करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, उद्देशिका के माध्यम से ही करते हैं। तो दोस्तों न्यायपालिका के न्यायिक निर्वाचन किस आधार पे होते हैं, हमारी उद्देशिका के लिए, उद्देशिका के आधार पे होते हैं। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी संवैधानिक प्रावधानों में असमंजसता होती है, जब भी संवैधानिक प्रावधानों में असमंजसता की स्थिति होती है, तब हम उद्देशिका का ही सहारा लेते हैं। उद्देशिका संविधान का अंग है, किंतु इसके उल्लंघन की दशा में या इसमें वर्णित लक्ष्यों को या उद्देश्यों को प्राप्त न किया जाए तो भी न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसका तात्पर्य होता है उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, उद्देशिका क्या है भैया, न्याय योग्य नहीं है। और ध्यान रखना अगला जो मैंने आपको बता रखा भी, इस संविधान के प्रावधानों में विरोधाभास या अस्पष्टता या संदिग्धता की स्थिति में न्यायपालिका, ध्यान रखिएगा, इसी उद्देशिका के आधार पर अपने न्यायिक निर्णयों को अधिनिर्णय करती है, या न्यायालय के अधिनिर्णय का आधार उद्देशिका ही बन जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक ये आपका क्वेश्चन खत्म हो, उद्देशिका की उपयोगिता क्या होती है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे जो क्वेश्चन है कि उद्देशिका के आवश्यक घटक क्या है। देखिए दोस्तों ये है अगला क्वेश्चन हमारा, उद्देशिका के आवश्यक घटक या तत्व क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, उद्देशिका के आवश्यक घटक या तत्व को हम चार रूपों में देखते हैं। क्या रूप है देखते हैं हम, सबसे पहला संविधान के प्राधिकार का स्त्रोत, उद्देशिका क्या है हमारे, संविधान के प्राधिकार का स्त्रोत। दूसरा देखिएगा दोस्तों, यह सरकार के विविध स्वरूप या प्रकारों को दर्शाती है, उद्देशिका क्या दिखाती है हमें, सरकार के विविध स्वरूप या प्रकारों को दर्शाती है। अगला देखते हैं दोस्तों क्या है अपना इसका घटक, राजनीतिक व्यवस्था के उद्देश्य को बताती, या फिर हमारी राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, इस बात को दर्शाती हमारी उद्देशिका। साथ ही में दोस्तों चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें संविधान की स्वीकारता और पारित होने की तिथि दर्शाई गई है। वापस से एक बार देख लेते हैं, इसको रिमाइंड कर लेते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि उद्देशिका के घटक क्या है। नंबर पहला, यह संविधान के प्राधिकार के स्त्रोत को बताती है। नंबर दूसरा, सरकार के विविध स्वरूप या प्रकार को दर्शाती है। नंबर तीसरा, राजनीतिक व्यवस्था के उद्देश्य दर्शाती है। और चौथा, संविधान की स्वीकारता और पारित होने की तिथि को भी इंगित करती है। तो दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, उद्देशिका की विशिष्ट भाषा को किस देश से ग्रहण किया। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। मैंने आपको ज्यादा बेहतर समझाने के लिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय ध्वज भी रखा है ताकि आपको समझ भी आए। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही भारतीय संविधान निर्माताओं ने उद्देशिका की विशिष्ट भाषा को ग्रहण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है हमारा, उद्देशिका के विषय वस्तु व भावना का आधार क्या है। उद्देशिका की विषय वस्तु अर्थात सब्जेक्ट मैटर और उसका आधार मतलब बेस क्या है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उद्देशिका की विषय वस्तु और भावना का आधार भारत शासन अधिनियम 1919 और अमेरिकी संविधान के आदर्श, दोनों मिलकर ही भारतीय संविधान की उद्देशिका की विषय वस्तु और उसके आधार को निर्धारित करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, ये प्रश्न है क्या उद्देशिका संविधान का अंग है। ये बार बार प्रश्न पूछा भी जाता है और इसके संबंध में न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों में भी विवाद रहा है। ठीक है, किसी न्याय का निर्णय में अंग मानते हैं, किसी में नहीं मानते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि भारतीय न्यायपालिका ही संविधान के निर्वचन करने की अंतिम प्राधिकारी है। तो देखिएगा दोस्तों, वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से उद्देशिका क्या संविधान का अंग है या नहीं, इसके ऊपर मत भिन्नताएं रही हैं। आज की स्थिति को हम देखते हैं, देखिए
उद्देशिका संविधान का अंग है। आपको सभी को स्पष्ट क्लियर हो गया, उद्देशिका संविधान का अंग है। संविधान में उसका भी वही स्थान है जो अन्य संवैधानिक उपबंधों का। दोस्तों ध्यान रखिएगा, उद्देशिका क्या है, भारतीय संविधान का अंग है, इसका भी वही स्थान है जो स्थान भारतीय संविधान के अन्य संवैधानिक प्रावधानों या उपबंधों का है। इसे भी संविधान सभा में विधिवत रूप से अधिनियमित और अंगीकृत किया गया। और ध्यान रखिएगा, उद्देशिका से न तो किसी को शक्ति मिलती है और न ही वह किसी की शक्ति को सीमित कर सकती है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इससे न तो किसी को शक्ति मिलती है और न ही किसी की शक्ति सीमित होती है। अंग होने के बावजूद ये बारीकी आपको रखना याद बहुत जरूरी है। अगला देखते हैं, क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में समाजवादी, अखंडता और अनिर्दिष्टता, ये तीनों शब्द किससे जोड़े गए थे, 42 के संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। तो भाई जब इसमें संशोधन ही नहीं किया जा सकता हो तो फिर इसमें शब्द आए कैसे, तो आपको ध्यान होना चाहिए। और इसीलिए मैं कहूंगा कि हाँ, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। समझ आ रहे दोस्तों, उद्देशिका के संशोधन ही आपके आंसर देंगे, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न जो इसी संशोधन से संबंधित है उनके बारे में बात करते हैं हम। अब तक उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया। देखो दोस्तों, छोटी सी उद्देशिका थी जिसको हमने काव्य रूप में सबसे पहले लेक्चर के टाइम पे देखा था, एक पेज में, ठीक है, और इसमें भी तीन शब्दों को समाहित किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उन तीनों शब्दों को समाहित करने के लिए एक ही संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुए, तो एक ही बार संशोधन, और वो भी किससे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। अगला प्रश्न देखते हैं हम, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, उद्देशिका में जो संशोधन किया गया उसके अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के अंतर्गत तीन शब्द समाजवादी, पदनिरपेक्षता और अखंडता शब्दों को समाविष्ट किया गया, अर्थात ये जोड़े गए। उक्त संशोधन प्रभावी हुए थे 3 जनवरी 1977 को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन या किसी भी तरह का विधि या अधिनियम बनाने की एक लंबी प्रोसीजर होती है, तो इसको क्रम तो मिला 1976 के वर्ष में, लेकिन यह कब लागू हुआ, राष्ट्रपति ने कब इस पर साइन करे और राष्ट्रपति जी ने कब इसको लागू होने की तिथि निर्धारित की, तो वह तिथि भी हमारी 3 जनवरी 1977। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या होता है अपना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में किन संकल्पनाओं या शब्दावलियों को समाविष्ट किया गया। तो ध्यान रखिएगा, आपको विदित होगा हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए तीन शब्द थे, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यही तीन संकल्पनाएं या आदर्श 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाविष्ट किए गए। और ध्यान रखिएगा, लागू कब हुए ये, 3 जनवरी 1977। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम दोस्तों, क्या उद्देशिका को न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। तो दोस्तों हमने पहली बात करी है, उद्देशिका संविधान का अंग तो है लेकिन यह न्याय योग्य नहीं है, तो हमारे आंसर होगा नहीं, उद्देशिका को न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। दोस्तों अब हम इसी प्रीएम्बल या उद्देशिका के विषय में हुए न्यायिक अधिनिर्णयों के बारे में बात करेंगे। न्यायिक अधिनिर्णय हमारी न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे देश के संविधान में कई बार प्रावधानों को लेकर असमंजसता की स्थिति हुई और संविधान के निर्वचन का अंतिम उत्तरदायित्व भारतीय सुप्रीम कोर्ट,
संख्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है और इसी प्राधिकार का उपयोग करते हुए हमारी भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ विवादों या कुछ मसलों या कुछ वादों के संदर्भ में अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए उद्देशिका के विषय में कुछ अलग अलग तरह से निर्णय दिए थे। अब हम उन्हीं निर्णयों की बात करेंगे। सबसे पहली बात करें हम बेरोजगारी प्रकरण। दोस्तों सबसे पहला प्रकरण है हमारा बेरोजगारी प्रकरण 1960। तो ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ कि बेरोजगारी प्रकरण 1960 प्रकरण में न्यायपालिका ने उद्देशिका के संबंध में क्या मत प्रकट किया। दोस्तों यहाँ पर हम उन्हीं न्यायिक अधिनियमों के बारे में बात करेंगे, उन्हीं वादों के बारे में बात करेंगे जिनका उद्देशिका से संबंध है। देख रहे हैं आप बेरोजगारी प्रकरण। देखिए उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। कितनी सुकोमल भाषा में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है उद्देशिका की कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है और यदि संविधान में किन्हीं शब्दों का अर्थ स्पष्ट ना हो वहां संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। अर्थात उद्देशिका की सहायता से हम संविधान निर्माताओं के आशय को समझते हुए भाई आगे क्या करना है उसके बारे में विचार करें। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। संविधान में किन्हीं शब्दों का अर्थ स्पष्ट न होने पर संविधान निर्माताओं के आशय को जानने के लिए हम उद्देशिका की सहायता ले सकते हैं। स्पष्ट होता है दोस्तों उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। यह राज्य या विधानमंडलों को कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है। निश्चय ही कोई अधिकार या शक्ति होगी वो केवल संवैधानिक प्रावधानों में अभिव्यक्त रूप से ही दी जा सकती है। स्पष्ट है कि दोस्तों इस न्यायिक अधिनिर्णय में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया और यह बताया गया किसी भी विधानमंडलों को या किसी भी विधानमंडल की जो शक्तियां प्राप्त होती हैं उनका स्रोत उद्देशिका नहीं है। वह शक्ति का स्रोत केवल और केवल संविधान के उपबंध या अन्य प्रावधान है जिनमें ही उसे अभिव्यक्त रूप से या निहित रूप से दिया जा सकता है। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। एक और विवाद या एक और प्रकरण महत्वपूर्ण है उद्देशिका के संदर्भ में जिसे हम कहते हैं सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य 1965। दोस्तों ध्यान रखिएगा यह प्रकरण भी उद्देशिका के संदर्भ में आपके दिमाग को और भी खोलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो उद्देशिका की पहली व्यवस्था थी बेरोजगारी में वही यहां पर भी बनाई रखी गई। देखिए दोस्तों उद्देशिका पर संविधान निर्माताओं के गहन विचार विमर्श की छाप है। क्या है दोस्तों गहन विचार विमर्श की छाप है। उस पर सुस्पष्टता का ठप्पा है और उसे संविधान निर्माताओं ने विशेष महत्व दिया है। उद्देशिका में निर्धारित संकल्पनाओं का परिवर्तित रूप ही संविधान है। दोस्तों क्या है उद्देशिका पर संविधान निर्माताओं के गहन विचार विमर्श की छाप है। उस पर सुस्पष्टता का ठप्पा है। उसे संविधान निर्माताओं ने काफी महत्व दिया और उद्देशिका में निर्धारित संकल्पनाओं का ही परिवर्तित रूप हमारा वर्तमान भारतीय संविधान है। ध्यान रखिएगा दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात जो उद्देशिका के संदर्भ में थी जो इस न्यायिक अधिनिर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि उद्देशिका के संविधान के अंग न होने के बारे में सुप्रीम कोर्ट की राय पर संभवतया पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है। परेशानी ये थी दोस्तों बेरोजगारी प्रकरण की संवैधानिक पीठ के सदस्यों की संख्या और सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य के प्रकरण में भी न्यायाधीशों की पीठ की सदस्य संख्या सेम थी। और आपको मालूम ही है आपको जानकारी होगी
एक सेम सदस्य संख्या वाली पीठ पुरानी पीठ का निर्णय नहीं बदल सकती। उसके लिए हमें थोड़ी सी उसकी सदस्य संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तभी उसका निर्णय बदल सकती है। लेकिन बेरुवाड़ी और सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के न्यायाधीशों की संख्या समान थी, इसीलिए उन्होंने इस बारे में अपना विचार दिया कि भैया संविधान का अंग है या नहीं उद्देशिका, इस पर संभवतः पुनः विचार की आवश्यकता है। अब दोस्तों हम अगले न्यायिक अधिनियम पर चलते हैं, जिसे कहा जाता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967। देखिए प्रश्न, इस प्रश्न के बारे में हम देखते हैं कुछ देर कुछ दोस्तों, उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है। उद्देशिका क्या है? उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। जिनके आधार पर क्या करना है? सरकार को कार्य करना है। वह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कितना महत्व दिया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस में उद्देशिका को। उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। स्पष्ट है दोस्तों, यहां पर संविधान की उद्देशिका को संविधान का एक अंग के रूप में स्वीकारा गया। देखिए हमारी उद्देशिका हमारे राष्ट्रीय जीवन के कतिपय मूल आधारों के विषय में हमारी आस्था और हमारे विश्वास की घोषणा है। वह एक अनिवार्य आदर्श स्तर है, एक अटल संकल्प है। तो उद्देशिका को पहली बार भारतीय न्यायपालिका ने संविधान के अंग के रूप में समझने की व्यवस्था कब दी? तो ध्यान रखिएगा गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस। दोस्तों ध्यान रखना, इसी परिप्रेक्ष्य में एक केस और भी आपके लिए जानना अच्छा रहेगा, जिसे बोलते हैं भारती चंद वर्सेस मैसूर राज 1970। देखिए इस केस में क्या बताया, तो देखते हैं हम इसमें। इस केस में माननीय न्यायपालिका ने अधिनिर्णित किया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जिनको हम क्या बोलते हैं डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्लानिंग और मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स को उद्देशिका में प्रतिष्ठित उद्देश्यों के प्रकाश में अधिक अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। अर्थात हमारे संविधान की उद्देशिका के प्रकाश में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्लानिंग को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। दोस्तों अब एक और केस महत्वपूर्ण है न्याय इन अधिनिर्णयों में जो कि उद्देशिका के संदर्भ में किए गए, वह है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज 1973। दोस्तों अब इस केस में न्यायपालिका ने क्या अभिमत प्रकट किया, तो उसके बारे में देखते हैं अपन। संविधान के निर्वचन में जटिलता की स्थिति में उद्देशिका को ध्यान रखा जाए, मतलब संविधान के किसी प्रावधान के अर्थ या निर्वचन में कोई समस्या हो तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए संविधान की उद्देशिका का। उद्देशिका संविधान का अंग है बल्कि वह उससे भी महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पर एक और मत प्रकट किया जो कि पूर्व के मतों से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि यह अंग ही नहीं है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है तथा संविधान को उद्देशिका में अभिव्यक्त महान और उदात्त भविष्य निरूपण के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए। संविधान को कैसे पढ़ा जाना चाहिए हमें भाई? अभी उद्देशिका में अभिव्यक्त महान और उदात्त भविष्य निरूपण के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए और उसका निर्वचन किया जाना चाहिए। यदि इसमें किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही चरमरा जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें संविधान की उद्देशिका में निर्धारित जो संकल्पनाएं उनमें से किसी भी तत्व को हटा देंगे तो पूरे संविधान का बुनियादी ढांचा ही तहस नहस हो जाएगा और संविधान अपना व्यक्तित्व और पहचान खो देगा।
स्पष्ट है कि संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट बुनियादी तत्वों पर बुनियादी तत्वों या उनकी विशेषताओं को उल्टा नहीं जा सकता। आप इसमें समावेश कर सकते हैं, लेकिन उद्देशिका का वह भाग जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, उसको आप हटा नहीं सकते, भले ही आपके पास कितना ही बहुमत हो। यदि आपने ऐसा कुछ किया, सुप्रीम कोर्ट के पास जब यह मैटर जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट वापस से संविधान के उन आदर्शों की पुनर्स्थापना के लिए कर संकल्पित रहेगी। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण और प्रकरण है जिसे हम जानते हैं, ऐसा मुंबई वर्सेस भारत संघ 1994 का यह प्रकरण है। दोस्तों इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नवीन व्यवस्था दी। क्या व्यवस्था दी, उनके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, मतलब जिसे अलग नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, न्याय पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी तत्व है। मतलब इन सभी में भारतीय संसद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केशवानंद भारती प्रकरण में संविधान के आधारभूत संरचना की संकल्पना को व्यक्त किया गया था और उसी भावना को इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने और अधिक अभिव्यक्त किया। दोस्तों अगले हम प्रश्न पे आते हैं, क्या उद्देशिका संविधान का मूल ढांचा है? क्या उद्देशिका संविधान का मूल ढांचा है? तो दोस्तों यह प्रश्न का आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, उद्देशिका संविधान का अंग है, उद्देशिका संविधान का अंग है, इसीलिए भारतीय संसद आर्टिकल 368 के माध्यम से उद्देशिका में भी संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ध्यान रखना, उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है। बार बार इस शब्द आ रहा है मूल ढांचा, भाई मैंने आपको बताया केशवानंद भारती प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियमित किया था और एक नया सिद्धांत पेश किया था, एक नई रूलिंग दी थी जिसमें आधारभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो दोस्तों इसका आंसर यही होना चाहिए कि भाई उद्देशिका में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आप मुझसे पूछेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो दोस्तों एक निवेदन है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं बताया कि आखिर संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। उसके विविध न्यायिक निर्णयों में उसने धीरे 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 करके इनके बारे में बताया कि आखिर आधारभूत संरचना क्या है। ठीक, तो भाई अभी वो आधारभूत संरचना की लिस्ट अधूरी है, न्यायिक निर्णयों के हिसाब से वो बढ़ती जाती है या घट भी सकती है, तो मैं भी नहीं बता सकता कि आखिर भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है। यह ढांचा परिवर्तनीय है सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्वचनों के माध्यम से। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण विचार अर्नेस्ट पार्कर, उनका उल्लेख करना यहां पर मुझे ज्यादा उचित लगता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को भी आपके लिए रखा है। देखिए अर्नेस्ट पार्कर ने उद्देशिका के संदर्भ में क्या विचार अभिव्यक्त किए, अर्नेस्ट पार्कर ने उद्देशिका के बारे में क्या विचार अभिव्यक्त किए, तो दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण ही भारतीय संविधान के निर्वचन करने वाले या उसके अर्थ को बताने वाले या उसका बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करने वाले विचारकों में से एक रहे हैं श्री अर्नेस्ट पार्कर। उन्होंने उद्देशिका के बारे में बहुत ही अच्छी लाइन, बहुत ही अच्छा कोटेशन दिया है। उद्देशिका में संविधान की पुस्तक के समस्त तर्क संक्षेप में समाहित हैं और वह इस पुस्तक की कुंजी के रूप में कार्य कर सकते हैं। अर्थात यदि आप पूरे संविधान को मान रहे हैं, एक ताला
तो इस ताले को खोलने की एकमात्र कुंजी है, एकमात्र चाबी है, एकमात्र की है, वो है संविधान की उद्देश्य का। बहुत ही अनमोल विचार प्रकट किया था श्री अर्नेस्ट बार्कर ने, और वो हमारे साधुवाद के बहुत ही पात्र है, या वे हम उनके प्रति अपना साधुवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन और क्या रख सकते हैं। सबसे मेन एक सीजे गायक, एक है विचारक सीजे गायक, उन्होंने भी संविधान के बारे में बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, या एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस्तेमाल किया है। द प्रीएम्बल इज ए की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द एक्ट एंड द मिस्चीफ व्हिच दे इंटेंडेड टू रिड्रेस। दोस्तों देखिएगा, यह है उनका कोटेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, परीक्षा में पूछा जाता है। द प्रीएम्बल इज ए की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ द एक्ट एंड द मिस्चीफ्स व्हिच दे इंटेंडेड टू रिड्रेस। ठीक है दोस्तों, यहां पर अपने विश्लेषणात्मक प्रश्नों का क्रम हम रोकते हैं। मुझे आशा है और पूरा विश्वास है कि आपको संविधान की उद्देशिका के विषय में सभी विश्लेषणात्मक प्रश्नों के उत्तर साधारण सरल तरीके से, सहज तरीके से, एक श्रेष्ठ तरीके से प्राप्त हुए हैं।